अरे भाई क्यों मुंह बांध रखा तूने? हैं? क्यों मुंह बांध रखा भाई? शाबाश भारत की जय। जय सर। जय सर। कहाँ कहाँ से आयो भाई? बिहार, आगरा, यूपी। ओके राजस्थान वाले याद करे कर देखो भाई। ये राजस्थान वाले आगे वाले नीचे बैठ दो भाई। अच्छा और यूपी? यूपी यूपी में तो मैं आने वाला था, तुमको बताया था वीडियो में। हैं? बिहार? यस सर। तुम्हारा पेपर कैंसिल नहीं हुआ क्या? जी सर, हो गया सर। हो गया। हैं? अच्छा पहले जो आए थे कई तो कल रात को ही आ गए। रात को कौन कौन आया था? यस सर। ओ शाबाश, उधर भी आ रखा है। रेलवे स्टेशन से पैदल? कोई बात नहीं, तुम्हारे को वसूली करा देंगे अभी, ठीक है? तुम्हें से कोई ऐसा है जिसका अभी मेडिकल होने वाला है, जो किसी एग्जाम फाइट कर रखा है कोई? यस सर। कौन सा? अच्छा शेर से फायरमैन की सीटें भी बढ़ गई ना? जी सर, कल इंक्रीज हो गई। हाँ तुम्हारा भाई आर्मी जून जून में? कब है मेडिकल? जनवरी में। जनवरी 20 जनवरी। झुंझुनू वाला का और कोई ऐसे जीडी वाला कोई? नहीं, जैसे कि जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन है जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं? अरे पीछे वाले दिख नहीं रहे, आगे वाले नीचे बैठो भाई थोड़ा। बैठो भैया, बैठो बैठो। हाँ बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। हाँ बैठ बैठ बैठ, हम जी जाएंगे। हाँ ओके ओके। ये पीछे वाले जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जीडी की देखो, उसका जो मेडिकल और आर्मी के मेडिकल में थोड़ा सा फर्क है वो बता देता हूँ तुमको। जीडी का जो भी जिसकी तैयारी करे ना उसका बताना। दूसरा, जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद में जिन जिन के प्रॉब्लम होगी उनको तो रुकना है, या जो फिट है उनको वापस अपना घर देख लेना है, ठीक है? और उनको भी रुकना इसलिए ताकि फिर एक बार फिर लास्ट में डिस्कशन करके आपको बता देंगे आप किस डॉक्टर से इलाज करा सकते हो और किससे नहीं करा सकते, कौन लायक है कौन नहीं है। जो फालतू वैसे नहीं करना है, जिसको बिल्कुल जो मान के चलो कि मेडिकल में लायक ही नहीं है, जिसकी ऐसी प्रॉब्लम जो ठीक नहीं होगी तो उसको फिर इस चक्कर में जीवन खराब नहीं करना, ठीक है? ऐसे नहीं मानना है कि ये कोई जरूरी थोड़ा ना, मान लो आप मेडिकली तौर पे अगर अनफिट हो तो जरूरी थोड़ा ना कि फिर हमको आर्मी में जाना है। समझ के बात को, हमेशा अपने घर की परिस्थितियां भी देखो और जिसमें एलिजिबल है उसमें क्या होता है, इंसान के पास में जो प्राप्त होता है ना उसकी कदर नहीं होती। तो अगर आपके किसी के कलर विजन की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो ठीक नहीं होती, जिस भी बच्चे को कलर विजन का पॉइंट बता दे वो सीधा समझ लेना मुझे फोर्स की तैयारी तो नहीं करनी, ठीक है? इसके अलावा एक हाइड्रोसील की प्रॉब्लम थोड़ी सी डेंजर होती है, एक वेरिकोज वेन की जिनकी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी डेंजर होती है, लेकिन जिसका इलाज अब शुरू हो गया है, ठीक है? तो उसके लिए भी तुमको हॉस्पिटल भी रिकमेंड कर देंगे कहाँ से इलाज करा सकते हो। समझ गए बात को? और किसी के अलग टाइप की और कोई भी बीमारी जैसे कोई भी बता दे तुमको, हाइट वाइट का तो मोटा मोटा क्राइटेरिया तुम सबको पता है, चेस्ट का भी पता है, समस्या मेन एक तो कलर विजन की, जिस भी बच्चे को बता दे आईज टेस्ट में 6x6 जिनकी नहीं है, देखो लेजर ऑपरेशन है वो एसएससी जीडी में चलता है, आर्मी में नहीं चलता। तुमको पता होगा, तुम्हें जो कोई आर्मी का मेडिकल दिया है? दिया। आर्मी में क्या होता है, आपको एक टेंट के अंदर ले जाते हैं और एक लेजर डालते हैं आंख में, समझ गए बात को, वहाँ लाइट डालते हैं आंख में और फिर पढ़वाते हैं। तो जिन बच्चों के लेजर ऑपरेशन किया हुआ रहता है ना वो फिर वहाँ नहीं पढ़ पाते, लेकिन एसएससी जीडी में ऐसे मेडिकल नहीं होता। दूसरी बात, एसएससी जीडी में जैसे यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, इसके अलावा ये एक शुगर उगर ये सारी चीज़ें चेक होती है। आर्मी में ऐसे टेस्ट नहीं होते मेडिकल के, सारा जो टेस्ट होता है वो बाहर से होता है आवरण से। तो तुमको जो भी बताएंगे वो सब मेडिकल टेस्ट तुम्हारे के जो जो पॉइंट हो सकते हैं वो सारे बता देंगे। तो जो आर्मी वाले हैं वो अपनी जो भी तुमको एक फॉर्म दिया जाएगा उस पर आर्मी लिखना, जो जिस भी एग्जाम के लिए अभी जैसे अगला जो आता है वो लिखना, क्योंकि उनका मेडिकल में अलग अलग अंतर है, समझ गए बात को? फिर भी किसी कोई समस्या होती है लास्ट में तो वो रुक जाना ही हो, ठीक है? क्लियर कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बंदे को भी जैसे एंट्री कराएंगे थोड़ी सी देर में करा देंगे अभी, क्योंकि कई बच्चे लेट भी आ रहे काफ़ी, तो एक बार फिर एंट्री बंद कर देंगे तो फिर बंद ही कर देंगे, ठीक है? और ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं, एक बच्चे को 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे। उसके बाद में हाँ अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि उसको फिर बाद में जो भी अपने बाकी जो
भोज साहब आएंगे, कैप्टन ट्राइड है वो भी आएंगे अभी, वो सब बाकी फिर आप उनसे पूरी सलाह कर सकते हो अपने स्तर पे, क्योंकि वो फिर हो जाएंगे तो आप अच्छे से सलाह कर पाओगे। समझ गए बात को? अच्छे से पूरा जो भी आया है जितनी भी दूर से आया अपना पूरा संतुष्टि होकर फिर जाना है, ऐसे जल्दबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस फॉर्म को भी 1800 बच्चों ने भर दिया है, दोबारा भरा यार, उसमें ये पूछा गया कि भाई आप आओगे या नहीं, तो उसी हिसाब से व्यवस्था रखें। इसीलिए फिर बाद में डाउन कर दिए वीडियो को, ताकि यहाँ पे भी हम शुरुआत कर रहे हैं तो किसी को असंतुष्टि ना हो। तुम आए हो, तुम्हारा काम हो जाएगा सबका, जो जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे उसी का फॉर्म भरना। तू पहले आ रखा है कि भाई एकेडमी में है? अच्छा, उसका भाई किसी का? मयंक सिंगारी। अच्छा हाँ, तो भी मैं सोचा एक आधा तो देखे हुए भी दिख रहे। ठीक है, जिसका भी जो भी समस्या है बता देना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी किसी को समस्या तो बता। ये क्या हुआ भाई तेरे? पट्टे खोल लो। नहीं हुआ क्या है? सर पहले दिन ना जल गया था यहाँ पे। बेटा तेरी तो ये उंगली कंडम है, इसकी तैयारी कर रखा हो। अरे आवाज बेटा, असो मत असो। बेटा ये हुआ क्या था? जल गया था सर। है जल गया था? अरे जलने से आकार कैसे बिगड़ गया? सर यहाँ से ना पहले खाल चिपक रखी थी, तो मैंने सर इसकी अभी सर्जरी कराई है, तो अभी आवाज नहीं आवाज। बेटे दो बाकी और, दो मिनट आवाज, दो बाकी और हैं, दो की भी कराऊंगा इसके बाद। तो इसको तो खोल के दिखा देना। हाँ सर खोलूंगा अभी। सर ये बचपन में क्रिकेट खेलते टाइम सर बहुत से लग गया। ये प्रॉब्लम किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी तो सर फायरमैन का। अरे मेडिकल अभी अंदर करेंगे, तुम यहाँ शुरू कर दिया यार। पहले बताता हूँ मेडिकल समस्या क्या होती है, ताकि तुमको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे डॉक्टर तुम ऐसे बन जाओ, किसी से पूछने की जरूरत। मेडिकल समस्या जो पॉइंट दिया जाता है ना आर्मी में और SSGD में थोड़ा सा फर्क होता है। SSGD में बता दो तुमको, मेडिकल प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, ऐसा ऐसी बीमारी जिसका या तो इलाज पॉसिबल नहीं हो या उसके इलाज में बहुत ज्यादा समय लगे। आर्मी में जब मेडिकल करते हैं तो एक जवान अभी तो 4 साल के लिए मान लो भर्ती हो रहे थे, पहले लंबे समय के लिए होते थे ना, तो मेडिकल का मेन रूप ये रहता है कि इसको आने वाले 20 साल तक कोई समस्या ना हो किसी बीमारी की वजह से। तो मुझे कई बोलते हैं ना कि मतलब जैसे मान लो कई बार अलग अलग पॉइंट दे देते हैं हल्के हल्के। अभी एक पिछली बार एक बच्चे को गले में पॉइंट दिया था, ठीक है, जब उसने बाहर जाके चेक कराया तो उसके कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन वो मेडिकल कराने गया था ना उस दिन उसके फाले हो रखे थे जीभ के ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने पॉइंट दे दिया। क्यों? क्योंकि वो तो अभी का सोच के थोड़ा ना ले रहा है, अभी तो सबको पता है जवानी में तो तुम बराबर हो जाओगे सब, आगे जाके ये बीमारी ना पनप जाए ये सोच के दिया जाता है। SSGD में मेडिकल प्रॉब्लम होता है कि ऐसी बीमारी जो या तो इलाज हो नहीं और या उसका बहुत लंबा इलाज हो, जैसे मान लो कैंसर है किसी के, डायबिटीज है, TB है, शुगर है, ये बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो इनका क्या इलाज में बहुत समय लग जाता है इस वजह से। बाकी और कोई जैसे कईयों की चमड़ी थोड़ी इधर उधर हो रखी है, कहीं वो बुखार हो गया तो भी सोचता है मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, अरे नहीं होगा दादा। समझ गए बात? एक होता है शरीर के एंगल के पॉइंट क्यों दिए जाते हैं, एंगल काफी काम करते हैं, स्पेशली जो एल्बो वाले एंगल है ना ये तो फायरिंग के दौरान काम करते हैं। समझ गए बात को? अब जैसे कहीं मान लो पैर घूम रखे हैं जिनको नोकनी का पॉइंट देते हैं, क्यों देते हैं? कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नोकनी टच होता है लेकिन उनका पॉइंट नहीं होता है, घुटने टच होने से नोकनी है या नहीं ये क्लियर नहीं होता है, ये तो यूट्यूब वालों ने बना रखा है। समझ गए बात को? YouTube पे वीडियो चलाने के चक्कर में बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है घुस घुस के कि ये पॉइंट है कि नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है, मतलब पैरों का जो एंगल है ना, जैसे मान लो ये है, जैसे अभी तुमको बता दो स्पष्ट तरीके से, ये जैसे उंगली है ना, अगर कोई बता ऐसे, अरे दादा ले, ये जो नोकनी की प्रॉब्लम होती है, अब जैसे ना ये वाला इस हिस्से को मानना तुम कि ये नोकनी है, ठीक है, अब जैसे अगर मान लो ये ऐसे टच भी है ना हल्की सी, तो उसके नोकनी की प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर उसके आगे से या तो यूं खुल रहा है या पीछे से यूं खुल रहा है, उसको नोकनी की प्रॉब्लम बोलते हैं। वो तो अब YouTube वाले घुस जाते हैं वहाँ पेन लेके हैं, कागज लेके अंदर डालते रहते हैं। अरे यहीं पे अभी वो बच्चा आएगा, तुमको बताऊंगा, आर्मी मेडिकल में 3 बार फिट हो रखा है, दूर से देखोगे तुम बोलोगे, तुम्हारे सामने भी खड़ा कर दूंगा तो बोलोगे नोकनी है उसकी। सर इसकी वीडियो बना रखी है। हाँ, जबकि वो 3 बार, मान लो एक बार तो तुक्के से फिट हो सकता है, 3 बार हो रखा है, अभी भी उसका जनवरी में मेडिकल है। कौन सा यार टैटू का? अब सुन लो, SSGD में इस बार टैटू में बच्चों को बाहर कर दिया था, मैंने वीडियो बनाया था कि आप कंप्लेन कर दो, मेरा यहाँ का एक स्टूडेंट है जीवन मंडल करके, उसकी मैंने केस फाइल करवाई थी और उसका वापस रिमेडिकल होगा 1 महीने बाद और वो फिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ तो अभी भी क्या है, ये निशान नहीं होना चाहिए उसमें, ये भी कंप्लेन जब फाइल करोगे तो उसमें ये बोला जाएगा कि टैटू का निशान नहीं होना चाहिए, नहीं इसको और कराना पड़ेगा सही। ये चीज़ है ना, कोई ऐसे SSGD के लिए नहीं चलेगा, आप इसको पूरा मिटाओ, इस पर स्क्रीन लगाओ दूसरी। अरे सुनो मेरी बात, टैटू
अरे उसके जो सुनो टैटू उसके था ना, उसके केवल एक छोटा सा निशान था, वो भी पारंपरिक, कितना सा ही मान के चलो डोर जितना निशान था, फिर भी बार कर दिया। तो केस कर लो तुम, जो भी SSGT फाइट करके आया है या जिसका लगता है कि मेरे नंबर आ जाएंगे, मैं तुमको दिल्ली में एक वकील है उसके नंबर दे दूंगा, वो सीधा तुम्हारे को जाते ही जेल लेगा। लेकिन वो पैसे बहुत अच्छे लेगा, क्योंकि वो वकील कहाँ का है, दिल्ली का, तो क्योंकि उसके तो नंबर बहुत अच्छे हैं, वहाँ की मेरिट रही है शायद 50 के आसपास और उसके नंबर 100 प्लस है, तो 100% हो जाएगा। प्लस उसका जो टैटू है ना, उसका निशान मिट जाएगा। देखो ये इस टाइप का अगर निशान है, मेरे टैटू का नहीं है, लेकिन अगर किसी का इस टाइप का निशान ना, तो ये चल जाएगा। जैसे टैटू वाला तुम्हारा एक क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे मिटा है सर? मिटा है, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई भाई इसको मिटाने के, स्किन के डॉक्टर से मिलो, वो पता ही नहीं चलने देगा। लेजर हो जाएगा? नहीं, लेजर तो ये लेजर से ही करा रखा है इसने खराब। अरे दादा क्या इंसान आ रहे तुम, ऐसे मत बनो डॉक्टर, शरीर के बिना कैसे जीवन जियोगे तुम? बोल तेल डाल दिया, बताओ कौन सा तेल डाला? टैटू डाल दिया, ऐसा काम नहीं करना। हाँ वो लसन टाइप का दे रहे हैं ना। हाँ क्या भाई, वो पैरों में लचक का अभी पॉइंट मिलना शुरू हुआ है पिछली भर्तियों से, SSGD में इससे पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। देखो टैटू का एक दो टाइप के टैटू होते हैं, अगर किसी के ट्रेडिशनल टैटू है, ट्रेडिशनल का मतलब समझते हो, जैसे धार्मिक जो टैटू होते हैं या परंपराओं से चलते आ रहे हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं देगा। अगर आपके भले यहाँ पर शंकर भगवान मांडे हुए इतने बड़े, तो पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि हमारे तो पूरे परिवार में या ट्रेडिशनल सब जगह सब के मनवाते हैं। अब ऐसा नहीं कोई देख रहा बनवा ले जाके शंकर भगवान, लेकिन यानी धर्म के नाम पर सच चीज को छुट्टी, जैसे मान लो फौज में डाडी नहीं रखने देते, सिख रखते हैं, मुस्लिम रखते हैं ना, धर्म के नाम पर चीज़ों की छूट दी हुई रहती है। तो जिनके धार्मिक टैटू होते हैं, प्लस जिनके ट्रेडिशनल टैटू होते हैं, जैसे परंपराओं से, अब मान लो कई ऐसे एरिया है जहाँ पर बचपन में जो बच्चा जन्मता उसी दिन उसकी टैटू बना देते, तो वो मेडिकल पॉइंट नहीं है।